हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू चैनल वी आर ब्रदर ब्रदर्स। तो एक बार दोबारा घूमते घूमते हमारी बारी आ चुकी है मजेदार मंडे। तो मजेदार मंडे में ये होता है कि आपके मनचाहे क्वेश्चन जो होते हैं हम उनका सवालों का आंसर देते हैं। जो भी आपके मन में सवाल होते हैं, मतलब काफी टाइम से आप सोच रहे होते हो कि ये पूछना है, तो आप सारा कुछ हमें पूछ लेते हो सैटरडे। और ये लोग यार जरूरी हिंदी में पंजाबी हिंदी दोनों में मिक्स ही होगा, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं वीडियो में। आपने घर क्यों शिफ्ट किया है? आपके लिए गौर से सुनिएगा, आपकी एक्स के साथ आपका रिश्ता कैसे टूटा था? शाबाश ना दे तू शाबाश। शाबाश। तो गाइस व्लॉग की शुरुआत होती है पहले सवाल से। क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं तो शायद हम इसमें मेंशन कर पाए, शायद मेंशन ना कर पाए, तो आप सिर्फ सुन लो फटाफट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया जी आशु घारू की तरफ से, हैशटैग मजेदार मंडे। मेरा क्वेश्चन तुहानू यह है कि सोशल मीडिया से फेमस ओनली आईफोन लेना कंपलसरी है कि बिना आईफोन तो इंसान फेमस नहीं हो सकता? जल्दी, लव यू बोथ, गुड ब्लेस। गुड ब्लेस। नहीं यार जरूरी नहीं होंगे कि आईफोन वाले बंदा होंगे, बस बंदे ने कंटेंट आना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि सामने ली ऑडियंस क्लैरिटी वेखती है बंदे। सामने ली ऑडियंस तुहाडी कंसिस्टेंसी, तुहाडी क्लैरिटी उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस करती है, बिकॉज जो तुसी क्लैरिटी वाली वीडियो बनाओगे तुहाडी जल्दी ट्रेंडिंग दे विच जाएगी। साडे को भी हुणे आईफोन आया, पहले साडे को भी एंड्रॉइड ही होंदा। एंड्रॉइड ही फोन सी, मतलब फेमस ओनली आज जरूरी नहीं है कि तुसी आईफोन रखो, बट आज जरूरी है मेहनत करो, सब कुछ होगा। कि तुसी डेली वीडियोस पाओ, डेली पोस्ट करो, कुछ अलग अलग कंटेंट बनाओ, उस चीज होगा। मतलब हर तरह की हर कैटेगरी का तुसी कंटेंट बनाओगे, तुहानू बड़ी वधिया रीच बहुत जल्दी मिलेगी विदाउट आईफोन भी। हुण चलते आपां अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल पूछा गया जी आकांक्षा की तरफ से, हैशटैग मजेदार मंडे, तुसी कदे किसी कुड़ी नू किस कीता है? लव यू बोथ। हाँ छोटी बेबी जी होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, कुड़ी कुड़ी मनी चलती है, छोटी होवे वड्डी होवे जिहड़ी मर्जी होवे। सो चलदे आ, तुसी जिस लेवल दा पुछना चाह रहे सी असीं फटाफट उहनूं कवर अप कर चुके आ, ते आपां चलदे आ अगले सवाल दी तरफ। अगला सवाल पूछा गया जी शिवानी कश्यप की तरफ से, हेलो बडीज, प्लीज मेरा क्वेश्चन जरूर लियो, मैं अपनी गल तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदी आ, तुसी दस्सो कि मैं अगे की करां, मैनूं समझ नहीं आ रही। मेरे ब्रदर ने व्लॉगिंग करनी स्टार्ट कीती, मैं ब्रदर नाल व्लॉग करना स्टार्ट किया, मेरे मम्मी पापा दादा दादी ने कुछ भी नहीं किया, चाची बोलते हैं कुड़ी तू अगले घरे जाना है, वायरल ना हो, इन्ना बोलते हैं कि मतलब इन्ना वायरल ना हो, कुछ लोग हिम्मत देंगे, कुछ लोग आप बोलते ने, मॉम डैड कह रहे तू सही है, हूँ मैं की करा? यार जो घर सपोर्ट कर रहे थे किसी ना सुनो, हेटर बहुत होंगे, जो कोई चढ़ता वा तो उन्होंने देख के हर कोई कहता है, हर कोई कहता पहली गल, मुंडे कुड़ी च कोई फर्क नहीं है यार, हर कोई बंदा सोशल मीडिया से अजकल एक्टिव है, कितनी कुड़ियां जी इन्नी हाई लेवल तक पहुंच चुकी हैं। बल्कि तुसी उन्होंने आ समझाओ कि जो मैं वधिया वायरल होगी या फिर मेरे पॉपुलर होगी तो मैं ताड़ा नाम ही रोशन करूंगी एक तरीके दे नाल, ते फर्दर जाके तुहानू होर वधिया रिश्ता बेनिफिट ही मिलेगा, तो कोई लॉस नहीं है। बाकी तुसी हाले इग्नोर करते हुए अपनी कंसिस्टेंसी नाल करी जो, साडा आई सजेशन देगा तुहानू। बाकी जिदा घर दी सिचुएशन ने, जो जो चीजा ने उस दे अकॉर्डिंग तुसी अपने आप मैनेज कर लो उस चीज नू। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा गया जी सोनू देवी की तरफ से, हैशटैग मजेदार मंडे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कभी स्कूल में फेल हुए हो? अगर हुए हो तो कौन सी क्लास में? खुश रहो हमेशा, तरक्कियां करो, है मेरा बर्थडे आज, प्लीज विश करना। हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल। स्कूल में फेल तो नहीं, नंबर शायद कम आए हो मार्क्स, कभी कभार फेल नहीं हुए, फेल अब तक नहीं हुए हम लोग, और फेल हुए नहीं है तो क्लास भी नहीं पता फॉर श्योर सी बात है। और बर्थडे आपका तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगला सवाल पार्टी देना फिर मिलके। अगला सवाल, तो अगला सवाल पूछा गया जी एएसटी एडिट से, हैशटैग मजेदार मंडे। मेरा क्वेश्चन इज, माय क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू, दैट हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी गर्ल्स प्रपोज यू ऑन इंस्टाग्राम एंड फेस टू फेस लव यू, बाय गुरु गॉड ब्लेस यू। काउंट नहीं की कभी, काउंट नहीं किया, आई हैव प्रपोजेस नो डाउट, हां बट काउंट नहीं करे अब तक कभी। और पर ऐसा कोई नहीं है जिसको देख के दिल में बजी गिटार और दिल गए, दिल में घंटियां बजनी शुरू हो जाए। हाँ ऐसा वाला कुछ लैंड हो जाए, कुछ जहाज वहाज ऐसा कोई सीन नहीं हुआ है, मतलब प्रपोजेस आए हैं पर गिने नहीं आते कोई, मगर इसमें इंटरेस्ट नहीं इतना, अपने काम पे इतना अभी फोकस, क्योंकि टाइम एक्चुअली क्या हो रहा है, दिन पता ही लगता है दिन कैसे निकल रहा है, सुबह उठे वीडियो डालनी है, वीडियो बनानी है, ब्लॉग एडिट करना है, ये करना है, बाहर का काम जाना है, जैसे ये भी थोड़ा प्रमोशन स्टफ में भी थोड़ा वर्क कर रहे हैं, प्रमोशन का कुछ काम आ जाता है, कुछ देना पड़ता है, किसी से बात करनी पड़ती है, पूरा दिन कैसे निकलता है पता ही नहीं लगता, आप वीडियो को यहीं पे एक बार पॉज करके बजाओ और कमेंट में बताना बजे के नहीं बजे, क्या बजे चुटकी।
पहली बार कितनी एक आवाज नहीं आई बात तो चुटकिया बजाना है थे। अगला सवाल पूछा गया शिवानी शर्मा की तरफ से। माय क्वेश्चन आप दोनों से है, आपने कभी बचपन में पड़ोसी की बेल बजाई है और भागे हो? अगर हाँ तो उसके बाद क्या हुआ? प्लीज क्वेश्चन लेना लव फ्रॉम मेरठ। यार हम मतलब अकेले नहीं होते थे, पूरी टीम होती थी हमारी बच्चों की। हाँ तो हमने सब दे बजा के भाग गया, नहीं तो आज ले बाहर रखो पता नहीं आंटी पता नहीं कितने भी। या तो हम इकट्ठे खड़े हो जाते वहीं हाँ। पे सारे कि किसी पे शक तो नहीं आएगा, सभी इकट्ठे होंगे तो किसी को गाली नहीं, मतलब किसी पे शक नहीं देगा। अगर अकेला खड़ा होगा तो उस पर शक देगा कि इसने किया। तो हम बजा बजू के भाग जाते थे। एक बार क्या हुआ था, मतलब मैं कॉलेज स्कूल से आ रहा था घर, तो एक लड़का सिमिलर मेरी तरह था, मतलब स्किन टोन उसका थोड़ा मैच होता था, उसका बैग भी मेरी तरह था सेम एग्जैक्ट। तो वो बेल बजा के भाग गया एक दिन। अगले दिन आंटी ने मेरे को पकड़ लिया, आंटी बोली तो मेरे कल बेल बजा के भजा सी। मैं क्या आंटी मैं तो आया ही नहीं कल स्कूल, मैं तेरे हूं प्रिंसिपल से लगे मैं तो भजा सी। तो आंटी ने बिना मतलब से मेरे से सॉरी मंगवा ली थी जबकि मैंने बेल नहीं बजाई। एक बार मैं ऐसे ही हुआ, बेल की बात नहीं है, हम ना वो छोटे आते थे पटाखे आते थे, क्या कहते हैं उसको, पॉपअप नहीं पॉपअप फूकी बम नहीं, एक ना और होता था चिंगारी वाला होता था बम, मेरे को नाम नहीं पता उसका। एक बार ना वो अद्धी होंगे अग ला तो ना थोड़ी देर बाद जाके फुटता हूं जो आप पानी ची बजे तभी फट जाता बीड़ी बंब आप जाके ना ऐ सुटते हवा च की हवा च फट दूगा उसे ना रिक्शे ना दो आंटियां जा रही चुनी के बच्चा गया फट गया आप भी भागे तो कमेंट में एक बार जरूर बताना। और मार पड़ी है क्या हुआ ये भी बताना, ये बचपन की ये तो हर कोई करता है, कॉमन है। अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया जी सोनिका शर्मा की तरफ से, हैशटैग मजेदार मंडे। मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ टंग ट्विस्टर ने जो आपको बोलने हैं पांच टाइम, मतलब फाइव टाइम बोलने हैं। एक दो तीन चार है, पहला तेरा, दूसरा मेरा, तीसरा तेरा, चौथा मेरा, ठीक है। पहला तेरा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पांच बार बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। दूसरा मेरा है जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा जो हंसेगा। थर्ड तेरा है नीली रेल लाल रेल, लाल रेल नीली रेल, नीली रेल लाल रेल लाल रेल नीली रेल, नीली रेल लाल रेल लाल रेल नीली रेल। फोर्थ है पीतल के पतीले में, पीतल के रुक जाता है, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। आप सही बताना कि इसने गलत बोला बीच में, सही बोला गाइस मैंने, दोबारा बोल के दिखा चल। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। दो बारी करता है, एक बारी गया से उन्हें। गाइस टंग ट्विस्टर मैं जीत चुका हूँ, मेरे को शाबाशी भी देनी होती है टंग ट्विस्टर। शाबाश ना दे तू शाबाशी, शाबाश गाइस। अभी कमरा वमरा चली का पेपर है मेरा, मैं जरा पेपर दे, इसका पेपर है कौन सा है वो आप गेस कर लो। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जस्सी से, हैशटैग मजेदार मंडे। माय क्वेश्चन इज फॉर बोथ आपकी एक्स, हां माय क्वेश्चन इज फॉर बोथ नहीं, माय क्वेश्चन इज फॉर प्रिंस, आपके लिए गौर से सुनिएगा। आपकी एक्स के साथ आपका रिश्ता कैसे टूटा था, प्लीज स्टोरी बता दियो। ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजन, मतलब हर चीज एक रीजन करके होती है। आपकी उनसे आपको उनसे बेटर मिलेगी जो आपको प्यार करेगी। ऑलवेज बी हैप्पी, रब तो सारी खुशी देन, हैप्पी टुगेदर। जल्दी जल्दी मैं भी पहले यही सोचा, मैं क्वेश्चन नहीं था लेता, मैं शायद गल भी लगी होनी है यार, नहीं लगता सैड स्टोरीज गलबात कीती सी या रिलेशन चाहे सी या कुछ भी, एक्स एजेंट नाम नहीं लेना चाहते ना लो। एक सी मेरी जो फर्स्ट रिलेशन सीगा ते ओदे विच ऐ होया सीगा कि ओ अपनी ना अपने जे लोकां दी गल्लां च आएगी सीगी, मतलब वो लोगों ने उन्होंने कुछ कहा कि इदा दा प्रिंस इदा वा प्रिंस इदा वा, तो किसी ने भड़काया मतलब उन्होंने, तो उन्होंने बिना मैंने गल क्लीयर किए चले गए थे छड़ के, कट आउट हो गया। हाँ मैं बहुत ट्राई किया, काफ़ी कॉल्स कीतियाँ, काफ़ी मैसेज किए मगर नहीं,
ਫਿਰ ਐਂਡ ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇੱਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਦੈਟਸ ਇਟ ਖਤਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੰਗਲ ਆ ਬੈਸਟ ਆ ਲਾਈਫ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇੰਸਟਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਨੇਹਾ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਥੱਥੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਲੇ ਕੈਮਰੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾ ਫੇਅਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਵੀਡੀਓਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਈ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਬਈ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ नेक्स्ट सवाल पूछा गया जी रुपिंदर सानी 0829 से ये क्वेश्चन हर बंदे ने पूछा था पर मैंने एक बंदे लिए एक बंदे का और लिया होगा शायद आपने घर क्यों शिफ्ट किया है अच्छा। उसका बहुत बड़ा रीजन है बहुत ही बड़ा जो आप भी तो नहीं बताएंगे अगर इतना बड़ा रीजन है ऑब्वियस बात है ना उसका अलग से ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्द सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और स्टोरी रीमेंशन नहीं करते गाइस जिन्हें स्टोरी दिख देने सारी आप रीमेंशन कर दें ऑलमोस्ट उसी टैग कर दें करो मेक श्योर आप एक्चुअली पता है कई बार होता है इदा होता वा कि जिवें सानू तुसी स्टोरी मेंशन करती मगर वो थोड़े टाइम बाद ना साडे शो नहीं होंदी ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਮਿੰਟ ਨਾ 40 ਟੂ 50 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 40 50 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਾਂ 70 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਉਡਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹੈਂਗ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਰਨ ਆਪ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਕੋ ਆਪ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਮੈਗੀ ਬਣਾਤੇ ਟਾਈਮ ਹਮਨੇ ਆਪਕੇ ਫੋਨ ਮੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਥਾ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਲਵ ਯੂ ਕੋ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਤ ਕੋ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇ ਵੋ ਹਮਾਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੈਸੇ ਤੋ ਬਾਤ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਯੇ ਉਸ ਟੀਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਉਹ ਥਾ ਆਪ ਤੂਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਗੀ ਮੇ ਵੋ ਇਸਨੇ ਮਿਰਚੀ ਡਾਲ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਸ ਵੋ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ पता क्या वो कजन सिस्टर थी हमारे एक चक्कर पता क्या होता है जैसे देखो हम सो सारा दिन बिजी रहते हैं हमारे फ्रेंड्स को हमारी कजन सबको पता है कि रात को फ्री होंगे तो वो रात को हमें कॉल करते हैं जैसे कई बार फैमिली हमारे साथ बात करती है कई बार जैसे उस दिन घर वाले सो चुके थे तो फिर हमने बात की अब तो मेनली यही रहता है बिकॉज कई कई बार क्या होता है जैसे मान लो कोई पर्सनल लिंक निकल जैसे मान लो इसको खजाला पहला तो गाइज मान लो जैसे इसको मतलब इसके कोई फ्रेंड कोई एक्स के हमारे को जिधर साडे को रिलेटिव नो कोई एक्स वाई जेड बंदे ने कहा कि हां तुम जानते हो कहंदे हां जानते हो कहंदे नहीं इसे मनदे नहीं कहोगे वीडियो कॉल कराओ इस तरह दे वीडियो कॉल्स हो जांदे है रात दे टाइम मोस्टली ते तां जे लगदा है गर्लफ्रेंड है तां तुसी बिल्कुल गलत हो गर्लफ्रेंड बनाएगा नहीं साला नहीं बनाऊंगा तां हाले है नहीं नहीं है साला तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों की डिमांड थी मतलब इतने सवाल मुझे आज तक नहीं मुझे लगता है आए होंगे मतलब आप रॉक्स लगा लो अगर हमें 900,000 समथिंग क्वेश्चन आया तो उसमें से 150 से 200 बंदों ने ये पूछा था पर इसका जवाब सिर्फ प्रिंसी द्वारा ही दिया जाएगा उसके बाद इसके ऊपर आगे विचार किया जाएगा तो अभी चलते हैं सवाल की तरफ तो सवाल पूछा गया है राजकुमार की तरफ से आप वो 24 आवर चैलेंज कब लेकर आओगे जिसमें प्रिंस हस्बैंड हो गए कन्नू वाइफ बनेंगे प्लीज वो ब्लॉग जल्दी से जल्दी लेकर आना मेरा क्वेश्चन लेना जरूर आपने कहाँ न्यू हाउस दिया है वो भी बताना कंग्रेचुलेशन आप सबको मैं फिर दिलकर से हूँ बहुत तेज धूप आ रही है ओके गुड धूप आ रही है बहुत अच्छी बात है और जो अपने क्वेश्चन तो फिर वाइफ वाइफ जी
तो गए जो आपने क्वेश्चन पूछा है हस्बैंड वाइफ वाला, उसके लिए मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं एक दोबारा से पोल डालेगा कि हस्बैंड कौन बनेगा वाइफ कौन बनेगा। आप उन्होंने बोल दिया वाइफ क्यों बनेगा तो तू ही बनेगा हस्बैंड वही बनूंगा। तो गाइस उसके लिए इनको निकालना है टाइम, कब निकाल रहे हो आप टाइम मेरे को बता दो एक बार। मैं थोड़ा फ्री हो जाऊं। कब तक? नहीं नहीं बहुत दिन हो जाएंगे। कोई बात नहीं, नहीं और भी कोई काम है, बहुत काम। गाइस मैं बताता हूं आपको, हमारा पहले आने वाला है एक होम टूर व्लॉग, ठीक है? होम टूर मतलब एक कुकिंग व्लॉग, होम टूर व्लॉग जो भी आएगा हम आपको जल्दी जल्दी देने की कोशिश करेंगे, जितना बेस्ट जितना जल्दी अपने तरफ से कर सके। और पॉल पुल अब कुछ नहीं डलेगा, जो कह दिया ऑडियंस ने कह दिया, जनता हमारी है तो बस, जनता हमारी है, इसको बीमारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि अगले क्वेश्चन की बारी है। चल चल ए हेलो, चल 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 बहुत देख रहा हूँ मैं, बहुत देख। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है जी, जल्दी कर अगला अगला करिए। दीपांशु कुमार की तरफ से आपके फेवरेट कोई फाइव फूड बताओ। पिज्जा, बर्गर, चिकन, गोलगप्पे और भेलपुरी। हाँ मेरा रेड सॉस पास्ता, पिज्जा, गोलगप्पे। नहीं टट्टी तू खा तो गाइस, और मैं सब खा लेता हूँ वैसे। टट्टी भी चीज बर्गर और एक आध चीज और, यार मैं सब खा लेता हूँ मैं तो, टट्टी पट्टी तू खा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है जी अनिता टक की तरफ से, हैशटैग मजेदार मंडे, करण और प्रिंस आपके 10th और प्लस 2 में कितने परसेंटेज आए थे? ये मत पूछो, बस पास हो गए। नहीं नहीं बताना पड़ेगा, पूछो। मुझे याद नहीं, तेरे को याद है मेरा बता दे। तेरा क्या याद होगा, मुझे अपना याद है तो बता दे मेरे अपने। गाइस इसके आए थे 10th में 50% और प्लस 2 में 68%। तेरे तेरे चल कोई बात नहीं, मेरे आए थे गाइस 78% दोनों में। हां और इससे थोड़े ज्यादा मेरे थे, तभी इसको याद नहीं है। मैं याद नहीं रखता यार ये चीजें। अपना हाउस टूर दो, तो हाइट कि लॉट लगी तू? हाइट है मेरे हिसाब सत अठ के करीब होगी, इना भी फर्क है दोनों बिलकुल। इना अगला बेस्ट जो आप ट्राई करिए, हाले घर की सैटिंग इस करके ब्लॉग नहीं बना रहे, घर की थोड़ी सैटिंग चीजा सैट हो, मारी बना रहा फिर तू चीजा सैट हो, उस अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जी साहिल राव की तरफ से, हैशटैग मैदान मंडे प्लीज टेक माय क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज बोथ ऑफ यू, एनी सजेशन फॉर ऑडियंस हाउ टू अचीव योर गोल्स फ्रॉम योर ऑन लाइफ एक्सपीरियंस। तुम अपने लाइफ के गोल किवें अचीव कर सकते हो, साडे को फिर चाह रहे हो, पहले तो ईयरफोन छड़ना होंगे ताकि टुटना जे, ठीक है? उस तो बाद आप दसते हैं, तुम्हें सिर्फ रहना पेगा कंसिस्टेंट, जो भी कर रहे हो जितने भी कर रहे हो एक्टिव रहो, कंसिस्टेंट रहो, डेली करो, दिलो करो, क्रिएटिविटी पाओ अपनी उस चीज, मेन कंसिस्टेंट है, सिर्फ एक चीज कर लो कंसिस्टेंट, मन कर रहे नहीं कर रहे बनाओ, करना ही करना, करना ही करना काम, जिदा मान लो पहले अगे 100% कर दो, 50% कर लो, बट डेली करो, रुकना नहीं है, रुकेगा नहीं साला। पंजी बार हो गया मेरा। हां तू की कह रहे थे जिवें जिवें मेरा भटूरे कहां चला सीगा लैण, ते मैं चल जा, कहता नहीं जाना, ते मम्मी नहीं खाने, नहीं खाने, कहता नहीं खाने बस, अगला क्वेश्चन पूछा गया रिया सिंगला की तरफ से, हैशटैग मदर मंडे प्लीज टेक माय क्वेश्चन,
आप मेरा क्वेश्चन कभी नहीं लेते, मेरे को पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी रिलेटिव के घर गए और उनके नमस्ते बोला, उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया हो? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ। मेरे साथ भी हुआ है। नमस्ते बोलते हैं तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अगली बार से आपको इनको इग्नोर कर देना चाहिए। आप नमस्ते मत बोलो, बात खत्म, फिर वो बोलेंगे हाँ जी बोलेंगे। आपके रिश्तेदारों के ना आपके क्या कहते हैं उसको, दरार हिंदी बोलनी नहीं, दरार डलवा देगा, ऐसा इनकी बात मत सुनना। गाइस देखो, आप अगर उनको इग्नोर मारते हो तो आप बोलोगे हाँ जी बोल लगे, आप कहोगे तो पिछली बार याद किया तुसी बोल लगे थी, आज ऐसे बोल लगे, फिर इदा की होएगा, हेल्थी वे नाल ना तुहाडी गल सॉर्ट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब नाल बेस्ट सॉल्यूशन आई है, चलो अगे जेडे रिलेटिव देख रहे ने सुन लो, जे तुसी इग्नोर करोगे असीं भी इग्नोर कर दांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट सेकंड। फैन गर्ल ऑफ बहल ब्रदर्स प्लीज टेक माय क्वेश्चन हैशटैग मदर मंडे। क्या एक बार फिर 24 आवर चैलेंज है? या जल्दी यही हस्बैंड वाइफ वाला एमए 24 सेइंग यस से बोलया ने गाइस, यस ना सुनया नहीं ना फिर जल्दी की 24 आवर्स सेइंग यस से भी बोल जाएगा। यस चल यस आगे मार दो। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है जी साक्षी शर्मा की तरफ से, हैशटैग मदर मंडे। माय क्वेश्चन इज फॉर प्रिंस, आपको गुस्सा ज्यादा क्यों आता है? आप हर वीडियो में करण को गुस्सा करते रहते हो, ऐसा क्यों लगे बहुत? बिल्कुल ठीक गल है, ऐसा गल ही बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ठीक गल फट दिल ते। आपको ये लगता है, मेरी गल सुन तुम्हें लगता है कि करण बहुत शरीफ है, सब तो ज्यादा पंगे यही लगता वा कदों तो ले ले कर दो। चलो देखे तुम वीडियो देखे मैंने कितना मारिया, कितना जलील किया है। Guys, this is end of our video. Hope you guys loved it. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगला ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है मजेदार मंडे के साथ, और होम टूर वगैरह बहुत जल्द आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक मिलते हैं आपसे, लव यू।